हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 18.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, जो की होंगे लेवल 1 के। और हाँ, अभी तक जिन बच्चों ने आरडी शर्मा की नई बुक नहीं खरीदी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके खरीद सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत बात करते हैं, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? तो बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट गिवन है और पूछा है कितना वाटर वो होल्ड कर सकता है, लीटर्स में आपसे पूछा है। यानी कि आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइडल वाटर टैंक का। आपको यहाँ पर कोई भी सरफेस एरिया नहीं निकालना है, क्योंकि कोई भी वाटर टैंक होता है तो वो पानी को स्टोर करता है। तो इसका मतलब है आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइडल वाटर टैंक का। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइडल वाटर टैंक का, वो होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। और लेंथ आपको गिवन है 6 मीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 5 मीटर और हाइट है 4.5 मीटर। और यहां पर हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 135 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम आपका हमेशा मीटर क्यूब में ही रहेगा। तो बच्चों, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो आंसर है वो है आपका मीटर क्यूब में, लेकिन आपको आंसर निकालना है लीटर्स में, है ना। तो सिंपली मीटर क्यूब को आपको लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब का वैल्यू होता है 1000 लीटर्स के बराबर, है ना। इसको आप नोट कर ले। तो सिंपली आप क्या लिखेंगे, 135 मीटर क्यूब शुड बी इक्वल टू 135, है ना। यहां पर जो 1 मीटर क्यूब है इसका वैल्यू आप क्या रख देंगे, 1000 लीटर्स, ओके। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 135,000 लीटर, ओके। सो दिस शुड बी द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो सिंपली यू कैन राइट, दस द टैंक कैन होल्ड 1,35,000 लीटर्स ऑफ वॉटर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी अ मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ ए लिक्विड। तो बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है आपका। एक क्यूबॉइडल वेसल है जिसकी लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। इसके बाद आपसे पूछा है हाइट क्या होगी इस क्यूबॉइडल वेसल की, और ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को, वाटर की क्वांटिटी को ये स्टोर कर सकता है 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आपको हाइट फाइंड करनी है, तो आप उसको लेट कर लेंगे। सो यू विल राइट लेट हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल वेसल बी एच, ओके। तो आप इसको लेट कर लेंगे। इसके बाद आपको लेंथ गिवन है, तो लेंथ आप लिख लेंगे 10 मीटर और आपको ब्रेथ भी गिवन है बी 8 मीटर। और आपको जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का, आप लिखेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ अ वेसल, यू नो वेरी वेल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहां पर बात हो रही है क्यूबॉइड के वॉल्यूम की, तो ये आपका होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। तो सिंपली यहां पर आपको वैल्यूज को पुट करना है। वॉल्यूम आपको गिवन है, ओके, 380, सो यू विल राइट 380 हेयर, एंड लेंथ एंड ब्रेथ इज ऑल्सो गिवन, सो यू विल राइट 10 into 8, और एच आपको फाइंड करना है। तो यहां से आपका एच का वैल्यू आ जाएगा 4.75 मीटर, ओके। सो दिस इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल वेसल। इस पर्टिकुलर हाइट तक इस क्वांटिटी को ये होल्ड कर सकता है जो वाटर है, आपको बोला गया है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ रुपीज
30 पर मीटर क्यूब। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट, तो पिट का मतलब होता है गड्ढा और डिग करने का मतलब होता है खोदना, है ना, डिगिंग यानी कि गड्ढा खोदना। तो यहां पर जो क्यूबॉइडल पिट है इसकी लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर और हाइट है 3 मीटर और रेट आपको गिवन है ₹30 पर मीटर क्यूब। आपको कॉस्ट निकालनी है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जो जो आपको गिवन है, तो लेंथ आपको गिवन है 8 मीटर, ओके, ब्रेथ आपको गिवन है 6 मीटर एंड हाइट आपको गिवन है 3 मीटर, ओके। तो दैट मीन्स आप वॉल्यूम निकाल लेंगे। देखिए गड्ढा खोदने का मतलब क्या होता है, उसमें से मिट्टी निकालना, और मिट्टी निकालने का मतलब है कि जो उसका वॉल्यूम है उसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, यही तो मतलब है। तो आप निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल पिट, तो ये होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये आपको गिवन है। तो सिंपली यहां पर आप वैल्यूज को पुट कर देंगे 8 × 6 × 3, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 144 मीटर क्यूब, ओके। तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल पिट। लेकिन आपको तो निकालना है कॉस्ट ऑफ डिगिंग, है ना, हमको वॉल्यूम थोड़ी निकालना है, हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट जिसका मेजरमेंट आपको गिवन है। तो यहाँ पर आपको रेट भी गिवन है, तो चलिए इस रेट को हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ₹30। देखिए यही बात तो आपको यहाँ पर गिवन है, जो क्वेश्चन में लिखी हुई है उसी बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 1 मीटर क्यूब का जो रेट है, कॉस्ट है, वो कितना है ₹30। लेकिन जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है आपका टोटल 144 मीटर क्यूब। तो सिंपली ये जो कॉस्ट है इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको निकालना है टोटल कॉस्ट क्या होगी, ये जो वॉल्यूम है इसको डिग करने की टोटल कॉस्ट क्या होगी, यानी कि ये जो वॉल्यूम है 144 मीटर क्यूब, है ना, इसी को तो हमने डिग किया है, खोदा है, तो इसी का हमको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 144 मीटर क्यूब। और आपको 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट मालूम है ₹30, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपली आपका टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा 144 मीटर क्यूब का। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ₹4320, है ना। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। ये आपका एक क्यूबॉइड है और 3 एडजेसेंट फेसेस का, 3 एडजेसेंट साइड्स का आपको एरिया गिवन है। तो 3 एडजेसेंट फेसेस कौन कौन सी होंगी, लेट्स से हम यहां पर मान लेते हैं कि एक आपकी साइड ये वाली हो गई जिसका एरिया आपको गिवन है, ओके, ये आपका फर्स्ट वाला फेस है, ओके। दूसरा वाला हो जाता है ये बॉटम वाला, इसको हम ले लेते हैं, ओके, ये जो बॉटम वाला है ये आपका, ठीक है, ये आपका सेकेंड है। थर्ड वाला कौन सा होगा, लेट्स से ये जो फ्रंट वाला है इसको मैं ले लेता हूं, ये आपका हो जाएगा थर्ड वन, ठीक है, ये आपके 3 फेस हो गए जिनका एरिया आपको गिवन है। इसके बाद आपसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। देखिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो यहां पर लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको गिवन नहीं है, तो आपको लेट करना पड़ेगा। लेट्स से यहां पर हाइट हो जाती है एच और लेंथ हो जाती है एल और ये आपकी बी हो जाएगी यानी कि ब्रेड। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। तो यहां पर आपको ध्यान देना है जो फर्स्ट वाला फेस है इसका एरिया क्या होगा, है ना, ये जो आपका फर्स्ट फेस है ये वाला पर्टिकुलर दिस वन, ओके, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, ठीक है, ये आपका बी है और ये आपका एच है, तो ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है जो आपको मेजरमेंट गिवन है, ठीक है, बी इंटू एच। तो फर्स्ट वाले का जो एरिया होगा, ठीक है, इसका कितना होगा, बी इंटू एच, ओके। अगर बात करें सेकेंड फेस की यानी कि जो बॉटम वाला है, ठीक है, जो बॉटम में है नीचे है, इसका एरिया क्या होगा, आप देख सकते हैं ये लेंथ है, ठीक है, और ये आपका बेस है, तो इसका एरिया हो जाएगा आपका लेंथ इंटू बेस। और थर्ड फेस की अगर हम बात करें तो थर्ड फेस आपका है ये फ्रंट वाला, ओके, दिस वन, तो इसका एरिया कितना होगा, आप देख सकते हैं ये आपका लेंथ है और ये आपका एच है, हाइट है, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट, ओके। तो इन सभी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, जो पहला वाला है वो है आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, और दूसरा है
18 सेंटीमीटर स्क्वायर और तीसरा एरिया है आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यही तो आपको गिवन है, तो हमने इसको इस तरीके से मॉडिफाई करके यहां पर लिख दिया है कि एक्चुअल में आपको क्या गिवन था और किस तरीके से आपको यहां पर लिखना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो यहां से आपको समझना है इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कैसे करना है, है ना। यहां तक तो बहुत इजी था। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, यानी कि वॉल्यूम आपको निकालना है, और फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, यही फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इन तीनों एरियाज को, फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस और थर्ड फेस, तीनों का एरिया मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, देखिए, बी इंटू एच इंटू एल इंटू बी इंटू एल इंटू एच, इस तरीके से मैं लिख दूं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 इंटू 18 इंटू 25, तो ये सॉल्व होके आपका आ जाएगा 3600। ओके, तो अब आपको समझना है कि इस बात को मैंने यहां पर क्यों लिखा है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं L इंटू बी इंटू एच, है ना। जो फॉर्मूला है वो आपका यहां से दिखना चाहिए आपको, है ना, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा आपका L इंटू बी इंटू एच टू दी पावर 2। ओके, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका इज इक्वल टू 3600 हो जाएगा। ये हमने स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि b आपका 2 टाइम्स है, L आपका 2 टाइम्स है, ओके, एच भी आपका 2 टाइम्स है, तो हमने यहां पर सिंप्लीफाई करके लिख दिया L इंटू बी इंटू एच टू दी पावर 2। अब आप L इंटू बी इंटू एच को क्या लिख सकते हो, आप V लिख सकते हो या फिर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड लिख सकते हो। तो सिंपली जैसा मैंने यहां पर लिखा है V, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं V स्क्वायर, ओके, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, और यही आपको फाइंड करना है। तो आपका ये हो जाएगा 3600। इसके बाद आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है जिससे कि आप इसको सॉल्व कर सकें। तो ये आपका हो जाएगा V और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3600। ओके, इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं, देखिए 60 इंटू 60 हम लिख सकते हैं इसको। ओके, ये आपका पेयर बन चुका है तो इसको आप एक बार में लिख सकते हैं। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। द ब्रेथ ऑफ ए रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट, वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ एंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम इज 512 क्यूबिक डेसीमीटर, फाइंड इट्स डायमेंशन। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये जो स्टेटमेंट है, इसको यहां पर आपको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। द ब्रेथ ऑफ ए रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट, है ना। तो ब्रेथ कैसी होगी, लेट्स से दिस ब्रेथ इज ट्वाइस इट्स हाइट, है ना, दो गुना है। तो यू विल राइट बी इज इक्वल टू 2 इंटू एच, यही तो बोला गया है। इसके बाद वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ, तो ये आपका ब्रेथ जो है कॉन्टिन्यूएशन में है, तो b इज इक्वल टू क्या बोला गया है, वन हाफ, यानी कि हाफ ऑफ इट्स लेंथ, है ना, या फिर आप इसको लिख सकते हो l बाई 2, यही तो बोला गया है, है ना। इसके बाद बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ द रूम इज 512 क्यूबिक डेसीमीटर, तो वॉल्यूम आपको यहां पर लिख लेना है। वॉल्यूम कितना है रूम का, 512 क्यूबिक डेसीमीटर, है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसके बाद बोला गया है फाइंड इट्स डायमेंशन, यानी कि आपको निकालना है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो तीनों चीजें आपको निकालनी है रूम की, है ना। तो रूम है तो रूम का क्या मतलब है, क्यूबॉइड की बात हो रही है, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना? तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 से आप एल का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, एल का वैल्यू आ जाएगा आपका 4h, ओके, और b का वैल्यू है आपका 2 इंटू एच, और लेट्स से दिस योर हाइट इज एच, ओके। तो हमने क्या किया, सिर्फ l को h की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, है ना, b आपका ऑलरेडी h की फॉर्म में गिवन है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो वैल्यू है वो यहां पर आपको पुट करना है, ओके, ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको पुट करना है। लेट्स से एल का वैल्यू हमें मालूम है 4h है, सो यू विल राइट 4h इंटू ब्रेथ, और ब्रेथ का वैल्यू है 2h, तो आप लिखेंगे 2h, और हाइट आपकी h ऑलरेडी है तो आप लिखेंगे 512, ओके। इस तरीके से यहां से आपका h का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 4, ओके, तो हाइट हो जाएगी आपकी 4 डेसीमीटर, ओके।
इसके बाद h का वैल्यू जैसे ही आता है तो आप क्या करेंगे, आप l का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिंपली h का वैल्यू आपको यहां पर रखना है और यहां से आप ब्रेथ का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे इक्वेशन नंबर वन से। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर वन में h का वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि h का वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, है ना। तो चलिए यहां से लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। लेंथ है आपकी 4h और ब्रेथ है आपकी 2h, तो ये आपकी हो जाएगी, h का वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 4 दैट मीन 16 डेसीमीटर, और ये आपकी हो जाएगी 2 इंटू 4, है ना। h का वैल्यू यहां पर रख देंगे तो ये हो जाएगी आपकी 8 डेसीमीटर। तो आपने क्या किया, लेंथ का वैल्यू भी निकाल लिया, ब्रेथ का वैल्यू भी और हाइट का वैल्यू भी, और यही आपको फाइंड करना था। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।